दोस्तों, हम इंसानों की गंदी आदत के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हम अक्सर सामने वाले को कमजोर समझ लेते हैं, पर दोस्तों ये आदत केवल हम इंसानों में नहीं है बल्कि जानवर भी इस आदत से बाज नहीं आते। तभी तो अधिकतर जानवरों को यही लगता है कि कछुए केवल धीरे धीरे चलने वाले कमजोर जानवर है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यहीं वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और अगर आपको कछुओं की ताकत पर रत्ती भर भी शक है ना, तो जनाब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जंगल की दुनिया का वो सच दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस कछुए को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पानी के अंदर शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। इनके पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही शानदार टेक्निक होती है। असल में इनके मुंह का एक हिस्सा बिल्कुल वॉर्म की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर मछलियां लालच में इस कछुए के मुंह की तरफ आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही कोई मछली इसके जाल में फंस जाती है, ये कछुआ तुरंत उसे अपना भोजन बना लेता है। और ऐसा करने के लिए कछुए को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देख ही सकते हैं कैसे मछली के अंदर जाते ही इस कछुए ने एक झटके में अपना मुंह बंद कर लिया। अब भाई, हमें नहीं पता कि इस कछुए के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसका दिमाग खराब है, क्योंकि ना जाने इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये डायरेक्ट जंगल के राजा शेर से ही भिड़ने लग गया। वो तो भला उस शेर का जिसने कछुए के ऊपर वार नहीं किया इससे दूर हो गया, वरना अगर शेर का एक वार भी कायदे से लग जाए ना, या शेर दहाड़ दे, तब भी इस कछुए की हालत खराब हो जाती। और अगर आपको अभी भी कछुए के खतरे का अंदाजा नहीं हुआ है, तो जरा इस बार एक वीडियो पर नजर डाल लें। यहाँ कछुए ने और किसी पर नहीं बल्कि डायरेक्ट मगरमच्छ पर वार कर दिया। भाई वाकई में मानना पड़ेगा ये कछुआ था तो बड़ा हिम्मत वाला, क्योंकि आमतौर पर कछुए मगरमच्छ के ऊपर नहीं बल्कि मगरमच्छ कछुओं को अपना शिकार बनाता है। अब जरा यहाँ देखिए कैसे कछुआ चुपचाप इस कबूतर के पास आता है, लेकिन इस बेचारे कबूतर को तो ये अंदाजा भी नहीं है कि कछुआ उसे अपना शिकार बनाने के इरादे से आया है। तभी तो ये झटके से कबूतर को अपने मुंह के अंदर दबाता है और पानी के अंदर वापस ले लेता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस छोटी सी बर्ड की माँ इसके पास नहीं है, और इसी बात का फायदा उठाकर कछुआ धीरे धीरे इस बर्ड का पीछा करता है। बेचारी बर्ड चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगती है, लेकिन कछुआ पूरी तैयारी से आया था जो उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इस छोटी सी चिड़िया को अपना भोजन बना लेता है। वैसे हिम्मत की बात हो रही है तो ये छोटा सा कछुआ भी कुछ कम नहीं है, जो इस बड़ी सी ईगल को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो तो ईगल ने ध्यान नहीं दिया, वरना कछुए का वार उल्टा पड़ जाता। दोस्तों, यहाँ पर तो ये छिपकली खुद अपनी कब्र खोदने के लिए कछुए के पास पहुँच गई, और जैसे ही कछुए को इस बात का अंदाजा हुआ, उसने बिना एक पल की देरी किए तुरंत छिपकली पर जोरदार वार किया, और एक ही वार में छिपकली का दिमाग ठिकाने लगा दिया, क्योंकि अगर कछुआ चाहता तो वो इसको मार भी सकता था। दोस्तों, आमतौर पर तो बतख का शिकार करना कोई छोटी बात होती नहीं, लेकिन इस बार कछुए ने कसम खा रखी थी भाई कि वो इसे अपना शिकार बनाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। वैसे तो ये बतख अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस कछुए ने गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। और यहाँ भी कछुए ने बतख पर वार किया, लेकिन इस बार शिकार बतख का बच्चा बन गया और बेचारी माँ कुछ नहीं कर पाई। अब आप कछुए और कुत्ते के बीच होने वाले इस जंग को भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मामला काफी गंभीर था। जहाँ सबसे पहले तो इस कछुए ने डायरेक्ट कुत्ते की नाक को काट लिया, और कछुए की पकड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि ये कुत्ता तेजी से चिल्लाने लग गया। कुत्ते की तेज आवाज सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कछुए ने कितनी जोर से इसे काटा होगा। अब एक बात तो पक्की है कि कछुए के इस अटैक के बाद ये कुत्ता किसी से भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। यहाँ पर जैसे ही इस कछुए को पानी के अंदर सांप दिखाई देता है, ये बिना देरी किए उसे अपने दांतों से दबोच लेता है। वैसे दोस्तों, सांप को पकड़ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि ये जहरीले होते हैं। ऊपर से पानी के अंदर इन्हें अपना शिकार बनाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कछुए सालों से इस काम में माहिर हो गए हैं। तभी तो आप देखिए ना कि कैसे इस खतरनाक से दिखने वाले कछुए ने जहरीले सांप को बड़ी आसानी से अपना भोजन बना लिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर क्लिप है, और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ कछुआ किसी और के ऊपर नहीं बल्कि एक बड़ी सी बतख को अपना शिकार बनाने में लगा हुआ है। जहाँ सबसे पहले तो ये बड़े साइज की बतख के पैर को अपने दांतों से दबाकर नीचे खींचने की कोशिश करता है, और इस तरह की टेक्निक अक्सर कछुए शिकार करते टाइम इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनका छोटा साइज इन्हें बड़े आकार के जानवरों का शिकार करने से रोक ना पाए। असल में ऐसा करके कछुए अपने शिकार को पानी में डुबोकर मार देते हैं और फिर उसे अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि इस तरह कछुओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आसानी से शिकार मिल जाता है।
अब ये एक और वीडियो है जिसमें कछुआ अपनी चतुराई और जबड़ों की ताकत का इस्तेमाल करके मछली को अपने चंगुल में फंसाता है और फिर उसे अपना शिकार बना लेता है। वैसे इस नजारे को देखकर लगता है कि कछुए को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, तभी तो उसने अपनी औकात से ज्यादा बड़ी मछली को शिकार कर लिया और फिर उसको पूरा खाए बिना छोड़ा नहीं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो सबसे फनी है क्योंकि हवा से बात करने वाला घोड़ा जब जमीन पर कछुए को देखता है तो जिज्ञासा पूर्वक उसके पास अपना मुंह लगाने लगता है, लेकिन अपने सामने इतने बड़े जानवर को देखकर कछुआ भी शांत नहीं रहता और वो तुरंत वार कर देता है, जिसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे घोड़ा छोटे से कछुए से डर कर भाग रहा है। दोस्तों, जब अटैक करने की बारी आती है तो कछुए पूरी तरह से अपने जबड़ों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर डिपेंड भी रहते हैं, क्योंकि इनका शरीर इतना ज्यादा फुर्तीला है, मतलब फुर्तीला नहीं है, ये तेज भागकर अपने शिकार को पकड़ पाए इतना नहीं होगा इनसे। इन्हें तो बस अपनी हंटिंग तकनीक इस्तेमाल करके शिकार के करीब जाना है और फिर अपने जबड़े की ताकत से उसको अपना भोजन बना लेना है। और इस बात का अंदाजा आपको हमारी वीडियो में दिखाए गए क्लिप से लग गया होगा, जहां हर बार कछुए ने बिना ज्यादा मेहनत किए अपने जबड़े की ताकत से अपने शिकार को मार डाला है। लेकिन इनके बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्हें खतरनाक होने के लिए दांतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो जबड़े होते हैं ना, वो इतने ताकतवर होते हैं कि अगर इनके दांत ना भी हों तब भी इनके जबड़ों में फंसने वाली कोई भी चीज बचकर नहीं निकल सकती, फिर चाहे मछली हो या सांप, बतख जैसे बड़े जानवर भी हो सकते हैं। कछुओं के लिए इन जानवरों को अपना शिकार बनाना बहुत ही आसान है और यही चीज इन्हें बाकी के शिकारी जानवरों से बचा कर रखती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार कछुए ही सभी का शिकार करें, कई बार इन्हें भी शिकार होना पड़ता है, यकीन मानिए ऐसा बहुत बार होता भी है। और अगर आपको फिर भी हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो क्लिप बिल्कुल आपके लिए है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मगरमच्छ बहुत ही चुपके से पहले तो कछुए को ध्यान से देखता है और फिर मौका पाते ही एक ही झटके में उसकी तरफ लपक लेता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, मगरमच्छ कछुए को अक्सर अपना शिकार बनाते हैं और वो भी कोई छोटा मोटा शिकार नहीं, बल्कि बहुत ही जबरदस्त शिकार, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि ये मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़ों से कछुए को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख देता है और उसके शरीर के एक एक पुर्जे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी आवाज आप साफ साफ सुन सकते हैं। और तो और, फिर भी ये छोटा सा कछुआ था, समुद्र में पाए जाने वाले बड़े बड़े साइज के कछुए भी अपनी मौत आने पर खुद को बचा नहीं पाते। आप देख ही सकते हैं कि ये कछुआ कितना ज्यादा विशालकाय है, जो अगर चाहे तो किसी को भी अपना शिकार बना ले, लेकिन बदकिस्मती से इसका मुकाबला एक बार टाइगर शार्क से हो गया, जिसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक है। और अगर नहीं समझे तो इनकी शिकार करने की टेक्निक आपको समझा देगी। जहां टाइगर शार्क काफी देर तक पहले तो कछुए को देखती रही, फिर उसके पैरों को अपने मुंह में दबाकर बहुत बुरे तरीके से घायल कर देती है। शार्क के मजबूत दांतों की पकड़ से बचकर निकल पाना इस बड़े साइज के कछुए के भी बस की बात नहीं थी, तभी तो बहुत बुरे तरीके से इस टाइगर शार्क ने कछुए को अपना शिकार बना लिया और बेचारा कछुआ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अब ये सब देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि जानवरों की दुनिया में कब शिकारी शिकार बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये कहना ही पड़ेगा भाई कि अधिकतर नजरअंदाज किए जाने वाले कछुए वाकई में काफी शातिर होते हैं, और अगर शातिर ना हो तो इस तरह से इतने अलग अलग जानवरों को अपना शिकार कैसे बना पाते, जिसका नमूना हम आपको पहले दिखा चुके हैं। और ये अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे खतरनाक कछुए का टाइम था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कछुआ किसी और के ऊपर नहीं बल्कि एक जहरीले सांप को अपना शिकार बनाने में लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि इन दोनों के बीच की लड़ाई बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे में वीडियो देखना अपने आप में बड़े नसीब की बात है। बाकी आपका कछुओं की इस ताकत के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।